तो स्वागत करते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में। फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जेसीडी जंक्शन और यहाँ से आज आप लोग को पूरा सफ़र दिखाएंगे जेसीडी जंक्शन से सोनपुर तक का। और फिलहाल पटना जंक्शन का हम लोग इसका जो ट्रेन है वहाँ तक चलेगा, उसके बाद वहाँ से हम लोग लिफ्ट लेकर फिर चलेंगे, ठीक है। सो दोस्तों ये जेसीडी जंक्शन का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे यात्रीगण अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेन का। और फिलहाल देख सकते हैं इधर आपका प्लेटफॉर्म नंबर 3 है और साइड में जो है आपका प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सभी लोग अभी वेट कर रहे हैं। सो दोस्तों ये रहा पटना जंक्शन और अभी हम लोग जो है 12:30 बजे लगभग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा रात में जो है किस प्रकार यात्री यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। और फिलहाल इधर वेदानंद जी रहे हैं और इधर हम लोग देख सकते हैं। तो कैसा रहा रात का सफ़र आपका? इधर इधर भैया इधर जी। तो ये देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे जो है ये ट्रेन आकर रुकी है और अभी हम लोग जो है यहाँ पे चल रहे हैं, आगे पैदल चलते हैं। और ऐसा कुछ नज़ारा है पटना जंक्शन का। कितना बजे पहुँचा दिया था आपको यहाँ? 9:40 में आके 4 घंटे इंतजार किया, 5 घंटा, 5 घंटा का वेट किया है तब जाके हम लोग मिले हैं। पूरा देख सकते हैं इधर एक इधर और हम कैमरामैन और यहाँ पे आगे में एक और है भैया, ठीक है। तो चलिए जो है नज़ारा यहाँ का पूरा दिखा रहा हूँ आप लोग को, देखिए। और अभी ये ओवर ब्रिज से चलेंगे हम लोग उस साइड में और पटना जंक्शन में देखते हैं, रात बिताना पड़ेगा क्योंकि सवेरे हम लोग निकलेंगे फिर जा कर के। बोल दीजिए हम कैमरा पकड़ते हैं। अच्छा चलेगा। ये देखिए पूरा दतुवन है किस तरह जो है सभी लोग ले जा रहे हैं, ये देख सकते हैं पूरा दतुवन चुका ना, देख सकते हैं पूरा नीम का यहाँ पे मिल जा रहा है दतुवन। और ये हम लोग का गाड़ी रहा। चलिए भाई सब चलते हैं। यही गाड़ी आने के बाद तो दोस्तों ये बाहर का नज़ारा है पटना जंक्शन से। आप जब बाहर निकलिएगा तो यहाँ पे आपको जो है तमाम गाड़ियाँ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये सामने आपका रहा पटना जंक्शन जो कि काफ़ी खूबसूरत और प्यारा देखने को मिलता है बाहर से, आप बिल्कुल देख रहे हैं। और यहाँ पे बाहर में जो है काफ़ी सारा गाड़ियाँ जो है आपको मिल जाएगा जो कि यहाँ से आप आगे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। पटना जंक्शन से बाहर निकलिएगा, खाने के लिए तमाम चीज़ें आपको जो है मिल जाएगा, काफ़ी सारा होटल भी है आप देख सकते हैं।